हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी का डोज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हेयर पैक दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इतना ज़्यादा खास है कि उसके फायदे देख के आप मुझे कमेंट्स में थैंक्स बोलते बिल्कुल भी नहीं रुकोगे। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, स्प्लिट्स हो रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रहा है, बाल बिल्कुल झाड़ू लगने लगे हैं, तो ये पैक बिल्कुल आपके लिए ही है। आपके बालों को एकदम ग्लॉसी बनाने के लिए, आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन देने के लिए ये रेमेडी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस जेल से आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, एकदम शाइनी हो जाएंगे, एकदम नई ग्लॉसी जैसी शाइन आपके बालों में आएगी। और सिर्फ मजे की बात यह है कि एक ही बार के इस्तेमाल से आपको इसका फर्क दिख जाएगा। महीने में कम से कम आपको 4 बार इस पैक को इस्तेमाल करना है। एक बार के ही इस्तेमाल से आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद सोचोगे कि हम बिल्कुल बेवकूफ थे जो अपने बालों को शाइनी बनाने के लिए या बहुत ज़्यादा ग्लॉसी बनाने के लिए इतने महंगे ट्रीटमेंट्स करा रहे थे। अगर आप हमें ये बात दी पहले बता देती तो हमारे पैसे बच जाते, मगर टेंशन की कोई बात नहीं है। अब जो मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंग्रेडिएंट बिल्कुल नेचुरल है, रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी तामझाम नहीं है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है और कैसे आपको इसको बनाना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो बिग थम्स अप दे दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लैक्स सीड आपके बालों में नमी बनाए रखता है। ये आपके बालों के पीएच बैलेंस को और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये आपकी स्कैल्प में तेल उत्पादन करने वाले ग्लैंड्स को हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बर्तन में 2 बड़े कप पानी लेना है। उसके बाद आपको 1/2 छोटा कप फ्लैक्स सीड इसमें ऐड करने हैं। ध्यान रहे पानी बड़े कप में रहना है और फ्लैक्स सीड बहुत छोटे वाले कप में 1/2 कप फ्लैक्स सीड आपको इसमें लेना है। ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको बॉईल करना है आपको लो फ्लेम पे। जब आप बीच बीच में इसको चेक करते रहें, जब ये एकदम जेल कंसिस्टेंसी में आ जाए तो ये समझिए कि आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। ज़्यादा देर तक अगर आप इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, तो हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। देखिए ऐसी थिक कंसिस्टेंसी हमें नॉर्मल चाहिए। अब यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, इसको आप गर्म में ही एक कपड़े से छान लीजिए। अगर आप इसको ठंडा करके छानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी और ये नहीं छन पाएगा, इसलिए आपको गर्म में ही इस जेल को छानना है। यहाँ पर मैंने इस जेल को छान लिया है। अब इस जेल में आप ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल को ऐड नहीं किया है। अच्छे तरीके से इस जेल को मिक्स कर देंगे, उसके बाद अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे। यकीन मानिए इतने इजीली ये आपके बालों में अप्लाई हो जाता है, इतनी जल्दी ये आपके बालों में लग जाता है, पूरे बालों में ये बिल्कुल फैल जाता है। ये आपके बालों को नमी देता है, आपके बालों को पोषण देता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगर आपके स्प्लिंट्स हो रहे होते हैं उनको भी ये दूर करता है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। आपके बाल बिल्कुल अगर झाड़ू की तरह हो गए हैं, इस कदर डैमेज हो गए हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। कम से कम 2 घंटे आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करके रखना है। आप 15 दिन में एक बार इसको इस्तेमाल कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादातर इसको महीने में 4 बार इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है। तो देखा गाइस कितना ज़्यादा आसान है इस रेमेडी को बनाना और उससे भी ज़्यादा इजी है इसको अप्लाई करना। अगर आप एक बार भी इसको अप्लाई कर लोगे ना तो खुद सोचोगे कि दी काश हमें ये रेमेडी आप पहले बता देती और आप मुझे थैंक्स बोलते बिल्कुल नहीं थकोगे। ये एक बार में ही आपको इतने गजब के रिजल्ट्स दे देगा कि आप खुद ब खुद शॉक्ड हो जाओगे। आपके झाड़ू जैसे बालों को एकदम शाइनी और ग्लॉसी बना देगा। कम से कम इसका इस्तेमाल महीने में 4 बार करिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे वीकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ये रेमेडी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।